बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सामीन, माई डियर यंगस्टर्स, आज मैं बड़े अफसोस के साथ इस मौजू पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये जो मरीका सानिया है। माई डियर्स, देखिए, इंसान बड़ा जल्दबाज है बाई नेचर। इंसान के अंदर एनजाइटी की कैफियत है, इंजॉयमेंट करना चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सियाह हैं, फॉरनर, जहाँ से भी हम प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें, ग्लोबल विलेज और ये ग्लोबल वार्मिंग, ये दोनों चीज़ें इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग की ज़्यादा अहमियत है और उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। इस हवाले से मैं अपने सामईन से भी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ दो तीन बातों का ख्याल रखा करें। जब भी आप घर से निकलें, अपने साथ वो सारा साजो सामान ले कर निकलें। देखो ना, मरी स्नोफॉल तो हर साल लोग देखने जाते हैं, लेकिन करंट सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज्यादा स्नोफॉल होनी है, ग्लेशियर ने जल्दी से पिघलना है, पानी का फ्लो ज्यादा होना है, गर्मी ज्यादा होनी है ड्यू टू सम गैसेस, जो गैसेस रिलीज हो रही हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड सो ऑन, बहुत सारे इसमें मैटर्स हैं। और हुकूमत से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो अहकामा हुक्मरान बाला से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को मैनेज करना कितना मुश्किल है। कि मुझे पता है कि मेरे घर की कैपेसिटी, मेरे इस एरिया की कैपेसिटी 10,000 पीपल्स की है, सपोज करें, और वहां पे मैं 50,000 लोगों को आने पे मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ, फिर उनके साथ मैं क्या सलूक कर रहा हूँ, होटल वालों ने अपनी क्या मनमानियां की, और स्नोफॉल बनिस्बतन पिछले सालों से बहुत ज्यादा हुई। मैंने जो पिक्चर देखी है, गाड़ियां पूरी पूरी बर्फ के नीचे ढकी हुई है। अच्छा, अभी मैं अपने यंगस्टर्स को एक मैसेज देना चाहूंगा, जब आप गाड़ी पे बैठ के हीटर ऑन कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब आइस ने सराउंडिंग से उस वो जो एग्जिट हो रही थी गैसेस और आपको ऑक्सीजन मिल रही थी, वो ऐसा ऐसा ब्लॉक हो गई ऑक्सीजन, और उसने कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जिसको आप माशाल्लाह पढ़ते रहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर आना शुरू हो गई, और उससे होता क्या है, बेसिकली उससे गनूदगी मिलती है, उससे नींद आती है। आपने देखा जब गाड़ी का दरवाजा खोले तो देखा कि लोग सो रहे थे, वो दायमी नींद सो रहे थे, उनके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो सारी अंदर से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन सारी खत्म हो गई। तो लिहाजा मैंने देखा है, लोग रश था, अंदर जाने नहीं दे रहे थे, मरी में दाखिल लोग उनसे लड़ रहे थे, दोनों हाथों से ताली बजती है। अवेयरनेस होना बड़ी जरूरी। इतना मेरा दिल खराब हुआ है, छोटे मासूम बच्चों को मैंने देखा सो रहे हैं और दुनिया से चले गए, कितना मुश्किल मरला ये, मतलब अभी देख के दिल दुखता है ऐसी चीजों को, जो सैर करने गए थे वो उनके लिए मौत साबित हो गई। और फिर इंतजामिया के पास, हमारे पास ये स्नोफॉल को और बर्फ को हटाने के सामान देखे क्या है, कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। अब्रॉड में देखें तो ऐसे मशीन आती है, वो सारी आइस उठा के जनाब वो साइड पे करती है और रोड क्लियर हो जाते हैं। इसलिए प्लीज सेहत को फरोग दें, फिर उसके साथ साथ नेशनल डिजास्टर जो सेल है उसको भी एक्टिवेट होना चाहिए, वो भी वेल इक्विप्ड होना चाहिए। खाली इन्फॉर्म कर देना लोगों को कि जी हमने लोगों को बता दिया था कि जी बहुत ज्यादा लोग ना आए और बहुत ज्यादा स्नोफॉल होगी, लेकिन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। इट्स नो हैव अ सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और मैं अपने नाजरीन से और अपने यंगस्टर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे मकामात पे उस वक्त जाएं जब हालात थोड़े से ठीक हों, रोड ठीक हों और बहुत सारी चीजें आपके पास, ऐसा सामान मौजूद हो। छोटे छोटे बच्चे लोग बर्फ में लेके उनको घूम रहे हैं, आगे भी बर्फ पीछे भी बर्फ, कोई उनके पास साजो सामान नहीं है, होटल्स में बुकिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सो मतलब बड़ा दिल खराब हुआ है। तो आज के ये छोटा सा मैसेज अपने यंगस्टर्स के लिए भी और जो इंतजामिया है उनके लिए, प्लीज इंसानियत की कदर करें। इंसान पहले अपने आप की तो कदर करे ना, जब तक मैं अपनी आप रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करे। ठीक है, नॉर्दर्न एरिया बहुत दूर है, वहाँ बहुत सारे लोग नहीं जा सकते, टू एक्सपेंसिव। मरी बड़ा एक्सेसिबल है, इजिली अप्रोचेबल है, एवरीबॉडी गाड़ी पकड़ी चले जी, फैमिली को बैठाया चले, नहीं, जहाँ पे आप देखते हो मौसम वेदर एक्सट्रीम है, का पूरा साजो सामान है, राशन थोड़ा साथ रखें, एंड सो ऑन, फर्स्ट एड अपने साथ रखें। आप अपनी पूरी फैमिली को लेके जा रहे हैं, दोस्त अगर मिलके जा रहे हैं तो दे हैव टू मैनेज समथिंग, सारा कुछ उसको मैनेज करके निकलें। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो लोग इस दुनिया से गए हैं, अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करे। ये हमारे लिए मैसेज है, इंतजामिया के लिए भी और एज अ इंडिविजुअल हमारे लिए भी।